भाई देखिए, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। कोई लिक्विड है, उसको मैंने हीट देना शुरू किया, उसकी वेपर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते आपके पास एटमोसफियर प्रेशर के बराबर हो जाएगी, और उस जगह हम उसको क्या बोलने लगेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, और जगह बॉइल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये मेरे पास वाटर है क्या, और इस जगह मैंने टेम्परेचर 300 केल्विन ले रखा है। 300 केल्विन का मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेरे साथ लिखते जाओ, क्या इस जगह वेपर नहीं बन रही होगी? बन रही होगी, बन रही होगी, बिल्कुल। जल्दी जल्दी लिखते जाएं, और इस जगह जो वेपर प्रेशर होगा बनने वाला, वो होगा मान लीजिए सपोज 30 टोर, जबकि बाहर से जो लगने वाला एटमोसफियर प्रेशर है वो है 760 टोर एटमोसफियर प्रेशर। तो आपको ऐसा लिक्विड में कोई बॉयल होता हुआ नहीं दिखाई देगा, और वेपर जो बनेगी वो ट्रांसपेरेंट है तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने यहां पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, और क्या कर दिया मैंने, 300 सपोज मैंने कर दिया 50, और फिर बढ़ा दिया और मैंने कर दिया 373। अब क्या होगा, वेपर बनना शुरू हो रहा है, और इस जगह वेपर बहुत ज्यादा बनेगी पहले के कंपेयर में, और इस जगह वेपर प्रेशर आ जाएगा आपके पास बढ़कर सपोज 600 टोर, जबकि एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, 760। अब यहां पर इतना ज्यादा प्रेशर आ चुका है, क्योंकि वेपर सबसे ज्यादा कहां से बनना शुरू होगी, पैदे पर, क्योंकि गर्म आप हीट गर्म नीचे से कर रहे हो, ऊपर से तो कर नहीं रहे। तो यहां जो प्रेशर जनरेट होगा वेपर का, वो वेपर आपका जो जनरेट होगा वो होगा ऊपर की तरफ 760 टोर वेपर का, और एटमॉस्फेयर प्रेशर PATM वो भी होगा 760 टोर। तो यानी कि प्रेशर ऑफ वेपर और एटमॉस्फेयर प्रेशर दोनों क्या है, सेम है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लिक्विड ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे से प्रेशर लग रहा है, ऊपर से भी 1 ATM लग रहा है, तो जब दोनों बराबर होंगे तो उस जगह आपके पास क्या हो जाएगा, ये बॉयल होने लगेगा, क्योंकि नीचे से फोर्स बराबर लग रहा है ऊपर की तरफ, तो लिक्विड ऊपर जाएगा, फिर जैसे ही वेपर रिलीज हो जाएगी वापस नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। लेकिन अगर यही अगर वाटर की जगह मिल्क होता तो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे आपका बॉयल होता, और दूसरा उसमें क्या होता है, एक लेयर सी बन जाती है मिल्क के ऊपर, जो आप बोल सकते हो मलाई टाइप कुछ बन जाता है, तो वो क्या है, वेपर को निकलने का जगह नहीं देती, नहीं देती, तो वो नीचे से प्रेशर बढ़ता जाता है, ऊपर से तो लग रहा है 760, नीचे से लग रहा है 780, तो फाइनली क्या होगा, वो ऊपर तब तक जाता रहेगा जब तक कि उसको जगह नहीं मिले, और जैसे ही जगह मिलेगी वो पूरा लिक्विड एक बार गिर जाएगा साइड से। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि दूध अपने आप में बह जाता है, जबकि पानी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लेयर नहीं बन पाती वैसे। अब वाटर को कितना ही गर्म करो, आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं जा पा रहा है ओपन सिस्टम में, क्यों, क्योंकि जैसे आप जो हीट दे रहे हो वो कहाँ जा रही है, वेपर बन जा रही है पूरी की पूरी, तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं ला पा रहे। अगर उस वाटर की जगह ऑयल लोगे तो ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो वेपराइज कम होता है, तो आपको वेपराइज कम होता है तो उसका 760 लाने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप खाना बना रहे हो और बॉइल कर रहे हो वाटर में, तो कम टेम्परेचर पर कर रहे हो, जबकि वही चीज़ अगर आप ऑयल में कर रहे हो तो हाई टेम्परेचर में कर रहे हो, तो उसको अपन बोलते हैं ना फ्राई करना, डीप फ्राई। डीप फ्राई का मतलब हो गया ऑयल उबलते हुए ऑयल के अंदर फ्राई करना, तो हाई टेम्परेचर पे हो गया। अगर आप चाहते हो कि पानी भी बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म हो, ठीक है ना, यानी वो भी बहुत रहे, तो फिर ओपन सिस्टम में नहीं कर सकते, फिर आपको क्लोज सिस्टम लेना पड़ेगा जहाँ प्रेशर ज़्यादा हो। प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपर से अगर 760 की जगह सपोज 1000 टोर लग रहा हो या 2000 टोर लग रहा हो, तो आपको बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी, तो खाना जल्दी भी पकेगा और आपका टाइम भी बचेगा। इज दैट क्लियर? इसलिए कहते हैं खाना प्रेशर कुकर में बनाने पर वो खाना जल्दी बन जाता है, लेकिन पहाड़ के ऊपर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पहाड़ पे जाने पर आप जैसे एवरेस्ट पे गए या किसी भी माउंटेन पे गए, तो वहाँ क्या होगा, ऑलरेडी प्रेशर बहुत कम हो चुका है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 500 टोर है, पता चला 500 या 600 टोर है, तो पता चला 600 टोर है तो 350 पे ही वहाँ पर पानी क्या होने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा। अब 350 पे तो आपका आप कई बार इतने कम टेम्परेचर में तो देखते कोई खास कुछ होता नहीं है, तो
इसलिए वहां पर तो खाना बनाने के लिए आपको क्लोज कंटेनर रखना ही पड़ेगा, प्रेशर कुकर ही रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात फिर ध्यान रखना कि हम जो बॉईल करते हैं खाने को बनाते वक्त, तो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल होने से टेस्ट भी अलग अलग होता है। इसीलिए आप कभी फील करते होंगे कि सर ओपन सिस्टम में जो खाना बनता है यानी कढ़ाई हम जब बनाते हैं तो अलग टेस्ट आता है, प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो जल्दी बनता है लेकिन टेस्ट अलग हो जाता है। कोई काम जल्दी करोगे तो उससे टेस्ट पे भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ हम खैर खाने के टेस्ट या खाने की बात नहीं कर रहे, बस सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट को समझा रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दो तरह से बन सकती है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, फर्स्ट। सेकेंड डेफिनेशन ये बन सकती है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल, क्योंकि बॉइल हो रहा है इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। तो दोनों डेफिनेशन आपकी सही है। कौन सी दूसरी बोली मैंने, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल, यस और नो? तो ये तो हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए जो आपने बहुत अच्छे से समझ लिए। लेकिन अब हमारे को थोड़ा सा और डेप्थ में समझना था कि क्या बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, क्या सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है? हाँ, यानी सॉल्वेंट पे तो डिपेंड करेगा ही, सॉल्यूट पे भी डिपेंड करेगा, उसको समझना है। यानी हमारा पास आधा काम हुआ है, तो हेडिंग क्या डालेगी हमारे पास, नेक्स्ट डिप्रेशंस इन, डिप्रेशन नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट में, क्या होगा, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशंस क्या बनेगी, लिखिए, इफ सम अमाउंट ऑफ, सम अमाउंट ऑफ, इफ सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ये नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स इन सॉल्वेंट, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये सॉल्यूशन हो गया, पहले क्या था, ये सॉल्वेंट था, इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेटेड, इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इंक्रीमेंट हो क्यों रहा है, पहला क्वेश्चन सबसे पहले, इसको आप कर्व से समझेंगे ज़्यादा अच्छा है। आप जानते हैं फेज डायग्राम से मैंने आपको वेपर का डायग्राम बनाया था और ये बताया था बहुत अच्छे से कि देखिए ये है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कर्व, बोलो यस और नो, ये है प्रेशर और यहां है आपके पास टेम्परेचर। आप मुझे बताएं कि क्या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है? नहीं, एटमॉस्फेयर प्रेशर पर डिपेंड करेगा। अगर मैंने एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm ले रखा है, कितना ले रखा है, 1 atm, तो जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर आपने इसमें कुछ भी सॉल्ट मिला दिया, सपोज आपने इसके अंदर शुगर ही मिला दी, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो ये लो डिक्रीज हो गया, तो कर्व नीचे की तरफ जाएगा वेपर प्रेशर, और डिक्रीज होगा तो जब ये लाइन बनेगी इस तरह से, तो ये 100 से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। मान लीजिए ये 100 प्लस डेल्टा टी है, और इस डेल्टा टी को डेल्टा टी भी बोल रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो वो है डिफरेंस है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, टी भी, डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले क्या था, टी बी, पहले टी बी की वैल्यू कितनी थी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
अब कितनी है टीबी की वैल्यू, 100 प्लस 100 प्लस डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी भी यहां पर क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कुल मिला के आपके पास क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना था। मान लीजिए आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आपने ले लिया टी बी नॉट इनिशियल, और दूसरा पॉइंट इसी के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा, टी बी प्लस डेल्टा टी बी दिस, ये नया बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने सॉल्यूट कितने मिलाया। देखो थोड़ा सा शक्कर मिलाएंगे थोड़ा बढ़ेगा, और ज्यादा शक्कर यानी शुगर मिलाएंगे बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा मिलाएंगे और ज्यादा होगा। तो ये बात तो तय है कि नॉन वोलेटाइल जितना मिलाते जाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। अब ये जो डेल्टा टी बी है यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कहीं ना कहीं हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे डेल्टा टी बी से, कहीं ना कहीं ये किसके प्रोपोर्शनल है, लॉस इन वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर कम बनेगी तो हर जगह ये किससे प्रोपोर्शनल है, डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल है, लॉस इन वेपर प्रेशर। और डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल है, एम के, या मोल फ्रैक्शन बोल दो सॉल्यूट के, और मोल फ्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन अपने आप में कंसंट्रेशन यूनिट है और सारी कंसंट्रेशन यूनिट एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है। तो मैंने यहाँ कंसंट्रेशन यूनिट ली है एम, क्योंकि एम कंसंट्रेशन यूनिट लेने के पीछे लॉजिक ये था क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मैं अगर कोई और कंसंट्रेशन यूनिट लेता तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होती, वो मेरे लिए गलत होता, मुझे ऐसी कंसंट्रेशन लेनी थी जो खुद भी अपने आप में कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हो, तो इसलिए मैंने एम लिया। तो आज से मेरे लिए डेल्टा टी वी किसके प्रोपोर्शनल हुआ, एम के। अगर मैं कुछ और प्रोपोर्शनल लेता हूँ तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, बाकी कुछ भी नहीं, लेकिन अगर एम लेता हूँ तो मेरे पास कांस्टेंट जो आएगा वो आएगा, उसको मैंने नाम दिया के बी, के बी का फुल नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो हम इस के बी के बारे में थोड़ा और लिखेंगे, पहले यहां तक क्लियर है। तो देखिए चलो ठीक, इधर देखो बॉइलिंग पॉइंट में हमने एलिवेशन देखा, अब इसी को और ज्यादा कहते हैं, ये के बी जो हमने पढ़ा अभी, डेल्टा टी बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, के बी मल्टीप्लाई बाय एम। ये के बी को और ज्यादा देखते हैं हम, के बी का नाम क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट, तो पूरा नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मेन हम इसके नाम से जान रहे हैं, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी यहां से हमें केल्विन मिलेगा, केल्विन, तो ये देखिए केल्विन केजी पर मोल, क्योंकि एम की वैल्यू होगी मोल पर केजी, तो केजी मोल पर केजी, केजी ऊपर जाएगा और मोल नीचे आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास यूनिट हो गई। के बी की वैल्यू जो होगी डिपेंड करेगी आपके, डिपेंड्स मेनी पैरामीटर। अब इसमें किस पे कौन कौन सा डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल सही कहा, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, या बॉइलिंग पॉइंट हाँ ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा डेल्टा एच, डेल्टा इसको बोलेंगे एच ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम के बी की वैल्यू अच्छे से जानते हैं, के बी इक्वल टू मरीटा का स्क्वायर, मरीटा यानी एम आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 हीना, मरीटा का स्क्वायर अपॉन 1000 हीना, या ही का मतलब एच है, एच और वो भी वेपराइजेशन, और टी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, आर गैस कांस्टेंट है, एम यहां पर मोलर वेट है, तो कैपिटल एम यूज करेंगे आप। तो किस पे डिपेंड नहीं कर रही, के बी नॉट डिपेंड्स, नॉट डिपेंड्स
पहला, क्या ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है? नहीं नहीं कहीं पे भी इस, ना तो ये सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है ना ये सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है. आप देखो कहीं पे भी अमाउंट नहीं आ रहा, मोलर मास आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा. क्या ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है? हाँ कर रहा है, क्योंकि उसका ही मोलर मास आ रहा है और अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग मोलर मास आएगा, लेकिन नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा? नहीं. तो नेचर पे तो करेगा, यहां पर यहां आएगा एक और वर्ड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा? नहीं. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा? नहीं. कहीं सॉल्यूट का तो मास आ ही नहीं रहा है, कहीं कोई ऐसी टर्म नहीं आ रही जिसमें कंसंट्रेशन आए. कंसंट्रेशन आती ना तो फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के अमाउंट पे डिपेंड करती, कहीं पे भी ऐसा कोई टर्म नहीं आ रहा. तो ये हमारे पास बेसिक फंडे हो गए कि हाँ किस पे डिपेंड करेगा, क्या रहेगा. आर और डेल्टा एच सेम यूनिट पे रखने हैं, समझ में आ रहा है? तो ये 1000 क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि मोलर मास ग्राम पर मोल में रखने की आदत है, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया हमने, समझ में आ रहा है? बाकी सारी यूनिट्स सिस्टमेटिक है. बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में रखना है, वो तो तय है ही, केल्विन के अलावा कुछ यूज नहीं करना. डेल्टा एच अगर ये सपोज कैलोरी में, तो आर भी कैलोरी में रखेंगे. ये किलो कैलोरी में, तो आर की वैल्यू जो कैलोरी में उसको 1000 से डिवाइड करके रखेंगे. ये जूल में, तो जूल में 8.314, किलो जूल में, तो 8.314 डिवाइडेड बाय 1000 कर देना. तो जिस कैटेगरी में आपको डेल्टा एच दिया है उसी कैटेगरी में या उसी यूनिट में आप किसको रखेंगे? आर को. तो ये तो रहा बेसिक फंडा. बोलो यस और नो. अब आगे जब हम इससे रिलेटेड, अभी हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, रीजन मुझे थोड़ा सा और एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा लेता हूँ, फिर एक साथ अपन प्रैक्टिस करेंगे हर एक, है ना? तो चलिए यहां तक क्लियर हो गया, बोलो यस और नो. अब बात आती है नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर. हेडिंग डाल लीजिए. चलो स्टार्ट करते हैं अगला, ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. पहले ऑस्मोसिस का मतलब समझो. मैंने एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि किशमिश होता है दाख, उसको पानी में डाल दिया, थोड़ा सा बढ़ गया. या फिर मैं देखता हूँ कि कोई भी चीज़ जो हाईली कंसंट्रेटेड है उसको पानी में डाल दिया, वो बढ़ गए. सब्जियाँ हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पानी से जगाया मैंने, तो पता चला वो पानी से जिससे जगा रहा था, हाँ होता है ना, तो वो थोड़ा सा उनका वेट क्या हो गया, बढ़ गया. कई बार नहीं देखते क्या, खासतौर पर सब्जी लेते हुए मैं लीची लेते वक्त गया, तो मैंने कहा भैया वो पानी डाल रहा था, मैंने कहा भैया जग गई हो तो तोल दो थोड़ी बहुत. तो वही वाली चीज़ हो जाती है कि क्यों जगा रहा है वो, इतना पानी डाल के क्यों जगा रहा है? क्योंकि जैसे वो पानी डालेगा उसके ऊपर जो मीडियम है वो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स है, वो पानी एब्जॉर्ब करती है, अंदर की तरफ जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है. तो एक किलो हो सकता है फ्रूट, 1.25 किलो हो जाए तो उसका तो फ़ायदा हो गया. तो ये काम नारियल में क्यों नहीं करते? क्योंकि नारियल की जो सरफेस है बहुत हार्ड है, सेमी परमीबल नहीं है, तो इतनी ज़्यादा हार्ड है कि वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो किसी में नहीं करेगी. तो फिर ये देखिए कुछ समय, लेकिन पानी ज़्यादा जाने से सब्जी खराब भी जल्दी होने लगती है, सड़ने लगती है. तो कुछ ऐसी जो बहुत ज़्यादा महंगी है और आज ही बेचनी है उसी वक्त करते हैं, तो घर से पानी में नहीं डुबो के लाते, वो उस वक्त छिड़कते रहते हैं जब बिखरी होती है, और वो भी ऊपर वाली लेयर को. चलो अब मैं आपको सब्जी बेचना सिखा दिया, तो अब आगे काम की चीज़ भी सिखा देता हूँ. ऑस्मोसिस क्या है? प्रोसेस है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस. तो क्या डेफिनेशन बनेगी? द फिनोमिना, लिखते जाए मेरे साथ, द फिनोमिना, लिख लीजिए, द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट के नीचे अंडरलाइन पार्टिकल, फ्रॉम लो कंसंट्रेशंस
टू हाई कंसंट्रेशंस, हाई कंसंट्रेशंस थ्रो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स, इसको मैं बोलूंगा SPM। तो द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशंस टू हाई कंसंट्रेशंस थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। SPM के नीचे अंडरलाइन क्यों रखा है, लो कंसंट्रेशंस टू हाई कंसंट्रेशंस ये मैंने क्यों रखा है, ये दो तीन लॉजिक है जो मुझे समझाने, तो मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स है और मैंने यहां पर दोनों तरफ वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर। ठीक है, ये वाटर ले लिया। अब आप ये समझिए कि इस जगह मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, कोई भी सॉल्ट। तो जैसे ही सॉल्ट डालूंगा तो यहां कंसंट्रेशन ज्यादा आएगी, यहां कम होगी, तो जहां कम होगी वहां से मूवमेंट होगा इस तरफ का, कि दोनों तरफ कंसंट्रेशंस बराबर आने की कोशिश करेंगे। तो मुझे सबसे पहले किसी ने ये लॉजिक दिया कि आपने यहाँ पर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स क्यों लिया, अगर मैं नहीं लेता तो ये तो एक ही सिस्टम हो जाता, तो एक ही सिस्टम हो जाता तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहता, मैं नमक कहीं पे भी मिलाऊं या सॉल्ट कहीं पे भी मिलाऊं वो तो पूरे जगह फैल जाएगा। तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि यहाँ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स क्यों लिया, SPM, क्योंकि SPM लेने का मतलब ये था कि केवल जो मैंने साइज ले रखी है, SPM का मतलब मेम्ब्रेन्स, जिसमें बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल को उधर जाने दे या इधर आने दे, हर पार्टिकल को नहीं आने दे, जो बड़े पार्टिकल हैं वो नहीं आने चाहिए और सिर्फ छोटे पार्टिकल जाने चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन्स आपका सॉल्वेंट कैसा है, उस हिसाब से आप मेम्ब्रेन्स का सिलेक्शन करते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा कि कौन सा पार्टिकल छोटा है वही जाएगा या बड़े भी जाएंगे, मैंने कहा छोटा, लेकिन छोटा तो कौन है, Na प्लस ज्यादा छोटा होगा या वाटर। अगला क्वेश्चन ये कि Na प्लस छोटा होगा रेडियस वाइज या वाटर, बताइए आप, आपको लग रहा है Na प्लस छोटा होगा, नहीं, Na प्लस बहुत बड़ा है यहां पर, क्योंकि वो Na प्लस नहीं है, वो हाइड्रेटेड है, उसके ऊपर बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वास या हाइड्रेटेड। तो अब इतनी मेम्ब्रेन्स है कि मेम्ब्रेन्स के अंदर इतना बड़ा पार्टिकल नहीं जा सकता, लेकिन ये तो जा सकता है, तो ये जाएगा, इसीलिए अगर ये छोटा होता ना, पता है क्या होता, तो सॉल्यूट पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, फिर सॉल्वेंट नहीं कर रहे होते, उल्टा चलता, लेकिन फिलहाल तो सीधा ही अच्छा लग रहा है। आ रही है बात समझ में, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है और हम सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स को इस तरह से मूवमेंट करा रहे हैं पार्टिकल का कि दोनों तरफ इक्वलिटी आए, समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे ये बोलने से कि इक्वलिटी आए, आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं, खुश नहीं होंगे, आर्ट्स वाले होते थोड़ा सा चलता कि हाँ ठीक है इक्वलिटी हर जगह चाहिए, लेकिन साइंस वाले हर जगह क्या देखते हैं, फिजिक्स, और वो फिजिक्स के बगैर नहीं समझ सकते। तो चलिए मैं वही चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये बैलेंस हो रहा है फोर्स वाइज। लेकिन उससे पहले अगर आप मान के चलिए कि ये पार्टिकल उस तरफ जाएंगे, यहां क्या हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन, और यहां क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको समझना है कि अगर हमने यहां से एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया लो कंसंट्रेशन की तरफ या हाई कंसंट्रेशन की तरफ, कि जस्ट ये जो फिनोमिना है मूवमेंट है वो रुक जाए, तो उसको नाम देंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, लिखते जाए मेरे साथ, ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरफ लगाना है, हाई कंसंट्रेशन साइड, इट इज द मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड अप्लाइड टू हाई कंसंट्रेशन साइड,
हाई कंसंट्रेशन साइट, हाई कंसंट्रेशन साइट फॉर जस्ट स्टॉप टू ऑस्मोसिस फिनोमिना। इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट क्लियर। तो यहां हमारे लिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह से उस तरफ लग रहा है जहां पर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो हाई कंसंट्रेशन साइट हमें लगाना है। एक और पॉइंट है, यानी कहीं ना कहीं ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये बता रहा है कि इस तरफ प्रेशर कम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इन इट सेल्फ क्या शो कर रहा है कि भाई यहां पर प्रेशर कम है, लगा दो। तो कम है इसका मतलब यहां पर लॉस हुआ है। तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भाई यहां पर वेपर प्रेशर कम है, यानी लॉस इन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और लॉस इन वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसके, कंसंट्रेशन। तो यहां टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा, तो कंसंट्रेशन वो यूज करो ना जिसमें करना आसान हो कैलकुलेशन। तो कौन सी कंसंट्रेशन आपको पसंद है, मोलरिटी। समझ में आ रहा है, तो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था। तो अब आप समझ लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसके लिए आ रहा है, एक तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज बता रहा है अपने आप में, प्रोपोर्शनल लॉस इन वेपर प्रेशर, ये भी लॉस इन वेपर प्रेशर है। और वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलरिटी, मोलरिटी भी हो सकता है, लेकिन मैं यहां पर मोलरिटी लूंगा कैपिटल एम। और ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं पाई से, तो पाई प्रोपोर्शनल क्या होगा, एम मोलरिटी। समझ में आ रहा है। और इसी के अलावा एक और प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। तो कहीं ना कहीं पाई हमारे लिए प्रोपोर्शनल हो गया एम टी। और इसमें जब कांस्टेंट आता है तो वो कांस्टेंट हमारे लिए आ जाता है पाई इक्वल टू एम आर टी। कुछ बुक्स इसको आर लिखते हैं, कुछ एस लिखते हैं, मैं इसको आर ही लिखूंगा। और कई बार एम को एम भी नहीं लिखते, मोलरिटी सी लिख देते हैं। एम का मतलब सी भी हो जाता है, क्योंकि सी भी कंसंट्रेशन को शो करता है, कंसंट्रेशन या सी पे। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी। आर यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट की जगह। और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.0821 बस एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। बोलो क्लियर हुआ। तो एक तरह से आपको ये चीज दिमाग में लेके बैठना है कि जो पाई है वो लॉस इन वेपर प्रेशर ही है। तो जहां पाई की वैल्यू ज्यादा होगी वहां वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। अरे वाह, बहुत इंटेलिजेंट हो गए। तो ये आपके लिए की पॉइंट हो जाएगा, हायर द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू जितनी ज्यादा है वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा, उस तरफ कम। तो आप मुझे बताइए, अगर आप मैथ से नहीं मतलब फिजिक्स से समझते हैं, तो यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहां पाई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वेपर प्रेशर यहां पर क्या होगा, कम होगा। यहां वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मूवमेंट कहां होता है, हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर। इज दैट क्लियर। तो इसलिए हमारा ये पॉइंट सही है कि की पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर है, यानी जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल वो क्या होगा, पाई लो टू हाई या हाई टू लो, लो टू हाई, क्योंकि लो पाई की वैल्यू का मतलब है यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा है, लॉस कम है। पाई अपने आप में क्या बता रहा है, लॉस इन वेपर प्रेशर।
लो पाई की वैल्यू का मतलब है हाई वेपर प्रेशर, और हाई पाई का मतलब है लो वेपर प्रेशर। तो हाई से लो की तरफ जा रहा है, सही है। तो पाई अपने आप में लॉस इन वेपर प्रेशर ही बताता है, ये आपको दिमाग में अंदर तक बैठा के चलना है। चलिए ठीक है, यहां तो मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया था, यहां पर सॉल्यूशन ले लिया था, तो पाई की वैल्यू यहां पर कितनी होगी प्योर सॉल्वेंट के अंदर? जीरो, क्योंकि सी की वैल्यू जीरो है। यहां क्या होगी? कोई फिजिबल वैल्यू होगी। तो हाई से लो की तरफ जाएगा या लो से हाई की तरफ जा रहा है? पाई के लिए लो से हाई। अगर दोनों तरफ सॉल्यूशन ले लेता तो दोनों तरफ आप पाई वैल्यू निकालते और लो से हाई की तरफ करते। बच्चे सोचते हैं पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, मूवमेंट हाई टू लो होना चाहिए। नहीं, गलत बोलते हैं। कहाँ गलती हो रही है? क्योंकि पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन इनडायरेक्टली ये बताता है लॉस इन वेपर प्रेशर। तो जहां पाई की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर वेपर प्रेशर कम होगा, और मूवमेंट हमेशा हाई टू लो ही होता है। ये बात सही है। तो चलिए, आपने मेरे से ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पता। अब ये बताइए कि सिंपल सा लॉजिक आपने क्या पढ़ा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कहां से कहां होते हैं, हाई से लो या लो से हाई? पाई के अंदर ही बात कर रहा हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई में करते लो से हाई, और जहां पाई की वैल्यू लो होती है वहां वेपर प्रेशर हाई होता है। तो बस ध्यान रखना, ये डायग्राम आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स बना लेंगे। मान लीजिए यहां पर पाई वन है, लिखते जाए मेरे पास, यहां पाई वन है और यहां पाई टू है, और दिया गया है आपको पाई टू इज मोर देन पाई वन, तो बताओ कहां से कहां जाएगा? और ये टू है और ये वन है, तो टू से वन जाएगा या वन से टू? यहां पाई ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है। आप खुद ही बताइए, यहां वेपर प्रेशर पाई की वैल्यू ज्यादा है यानी लोअस ज्यादा है, लोअस ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम है तो मूवमेंट कहां होगा? ध्यान से देखो, तो वेपर प्रेशर कम है तो हमेशा वेपर प्रेशर हाई टू लो ही जाएगा, तो वन से टू जाएगा। इसमें क्या पूछना था? ये तो मैं तुम्हें चेक करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो वन से टू में जाएगा। अब अगर आपने सुनना ऐसा कोई सिस्टम बनाया कि एक्सटर्नल प्रेशर यहां लगा दिया, ज्यादा इतना लगा दिया कि उल्टा हो जाए मूवमेंट, तो उसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होगी? जल्दी से बोल दीजिए, रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होगी? ये होगी इफ अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इज अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हाई कंसंट्रेशंस टू लो कंसंट्रेशंस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी आर ओ बोलेंगे इसको। एप्लीकेशंस ऑफ आर ओ, एप्लीकेशंस ऑफ आर ओ सही है। एप्लीकेशंस आर ओ कहां यूज होगा? कंसेप्ट इन फिल्टर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना, फॉर सेपरेट सेपरेशन बोल दो और फिल्टर बोल दो, फिल्ट्रेशंस ऑफ वाटर
फ्रॉम सॉल्यूशंस, फ्रॉम सॉल्यूशंस। अब इसको कंसेप्चुअली समझिए, देखो किस तरह से होता है। मान लीजिए इस तरह से समझिए, मैं पूरा प्लांट बना रहा हूं, ये आपका आरओ प्लांट है, सही है। आरओ प्लांट में आपके पास ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम, सही है। एसपीएम में होने की वजह से आप कहीं पे भी लगा सकते थे, ये पूरा एसपीएम ही है एरिया। अब ये दूसरा प्लांट का हिस्सा हो गया आपके पास, ये टैंक है पानी जिसमें भरा हुआ है, आपने सपोज 10 लीटर पानी भर दिया इसमें, कितना भर दिया 10 लीटर, कैपेसिटी है मान लीजिए इसकी 10 लीटर। सही है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, ये भी उतना ही ऊंचा ले लेते हम, समझाने के लिए बिल्कुल सही रहेगा, सेम हाइट है। देखिए मेरे को मुझे मालूम है यहां पर ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब वाटर प्लस, वाटर प्लस सॉल्ट्स है, सॉल्ट में आयोडाइड भी आ रहा है, फ्लोराइड भी आ रहा है, क्लोराइड भी आ रहा है, ब्रोमाइड भी आ रहा है। सबसे ज्यादा बड़ा कौन होगा इसमें, फ्लोराइड, एफ माइनस, इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, सबसे छोटा होगा आयोडाइड आयन। तो हम सेमी परमीबल को इस तरह से सेट करते हैं कि आयोडाइड तो जा सके लेकिन फ्लोराइड ना जा सके, क्योंकि आयोडाइड जरूरी है, कुछ मिनरल जरूरी है, समझ में आ रहा है, तो ये जा सके। लेकिन अब क्या होगा कि मूवमेंट जो होगा वो दिक्कत क्या आ रही है कि यहां पर सॉल्यूशन है, उल्टा जाना चाहिए था, ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। मैंने क्या किया कि यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, इतना लगा दिया कि मोमेंट जाना चाहिए था ऐसे, जा ऐसे रहा है पक्का। तो इधर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि आयन, तो यहां कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वाटर जा रहा है, सॉल्यूट नहीं जा रहा, सॉल्वेंट जा रहा है। तो सॉल्वेंट जैसे ही उधर जाएगा, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, बढ़ती जाएगी। अब जैसे ही वो बढ़ेगी, यहां वेपर प्रेशर और तेजी से कम होगा, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो जो पहले काम में सपोज 100 टॉर से कर रहा था, अब 200 टॉर लगाना पड़ेगा, फिर 300 लगाना पड़ेगा, फिर 400 टॉर लगाना पड़ेगा। तो एक समय ऐसा होगा कि ये जो 10 लीटर मैंने पानी लिया है, ये कितना रह जाएगा, 3 लीटर, बात समझ में आ रही है। तो अब ये 3 लीटर ही रह गया, अब इतना प्रेशर लगाऊंगा तो होगा क्या, ये सेमी परमिबल मेम्ब्रेन टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। तो अब मैं वो नहीं कर सकता, तो मैं एक बैक एंटी गाइड जरूर डालूंगा इसके अंदर। अब ये वॉल क्या करेगा, खुल जाएगा हाई प्रेशर पे, कह देगा आप इससे ज्यादा नहीं झेल सकता, तो वो जो बचा हुआ पानी है वो इधर निकल जाएगा और उसी समय दूसरा वॉल खुल जाएगा जिससे फ्रेश पानी दोबारा से। हाँ, तो उसमें अगर ये पानी जो निकलेगा, इसमें नॉर्मल जो सॉल्ट होता है, कंसंट्रेशन जो होती है उससे 3 या 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। मरेगा तो नहीं इसको पीने से कोई भी आदमी, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हार्मफुल होगा, जैसे मतलब ये समझ लीजिए थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बस थोड़ा सा, मरेगा वरेगा कुछ भी नहीं, कट खट। अब ये जो चीज होती है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इतना हाई प्रेशर पे वर्क करती है, तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग होगी, कभी 3 महीने में खराब हो सकती है या 6 महीने में हो सकती है, ये नहीं कि आप जिंदगी भर ब्रेकेज हो जाता है, इसमें क्रैक्स आने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है, कैसे यूज हो रहा है और कितने प्रेशर तक यूज हो रहा है। देखिए कुछ आरओ वाले कहते हैं कि हम पानी की बचत करना चाहते हैं, तो वो नुकसान कर रहे हैं, किसका, बिजली का, क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और उसमें ये वाली सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स के लॉस होने के भी ज्यादा होंगे। कुछ कहते हैं हम बिजली बचाते हैं, तो वो पानी का नुकसान करेंगे क्योंकि वो 3 लीटर की जगह 4 लीटर में एग्जिट कर देंगे। तो वैसे तो सही कहा जाए तो ये है कि इस पानी का यूज आप
किसी और चीज में कर लो, जैसे बर्तन धोने में या किसी में भी यूज करो, आप जाने मत दो। तो ये वाला है बस हम इसका यूज क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये पीने के लिए। ये हमने नल लगा दिया आराम से, तो ये क्या हो जाएगा, प्योर वाटर आ जाएगा। तो ये आरओ का कंसेप्ट होता है जो आपके लिए काम हो गया। लेकिन जो छोटी मोटी मतलब डस्ट पार्टिकल है उसको यहाँ मत जाने दो, उसके लिए पहले एक और प्लांट करके वो डस्ट पार्टिकल को पहले ही सेपरेट कर लो, नहीं तो यहाँ पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो मैक्सिमम पार्ट मतलब कहने का मतलब ये, सिर्फ आयन को छोड़ के बाकी सब चीज़ें तो पहले ही सेपरेट कर लेते हैं। डस्ट पार्टिकल तो नॉर्मल मेम्ब्रेन से या नॉर्मल फिल्टर से ही साफ हो जाएगी, छन्नी से ही छाल अपन साफ कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मेन कहते हैं ना हमारा 3 स्टेज है या 2 स्टेज है, तो 2 स्टेज 3 स्टेज का मतलब है आपने मैक्सिमम पार्ट तो पहले ले लिया, इससे क्या है इसकी एज बढ़ती चली जाएगी। आ रही है बात समझ में, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो चलिए इन सबको लिख लो आप, ये कंसेप्ट ऑफ आरओ हो गया।